आज हम बनाने वाले हैं लौकी का स्पेशल दाल, जिसमें लौकी कटा हुआ मिर्चा लहसुन प्याज टमाटर धनिया और ये मिक्स दाल है जो चना और उड़द का है। इस तैयार कर लिया। अब इसके बाद इसको कुकर में चलते हैं बनाने। कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें डालते हैं सरसों का प्योर तेल। बिल्कुल तेल अच्छे से जब हीट हो जाए तो इसमें जीरा थोड़ा डालना। उसके बाद ये सब कटा हुआ है मेरा लहसुन प्याज मिर्च अदरक टोटल से जो इंग्रेडिएंट इसमें डालना है। उसके बाद इसमें डालते हैं प्याज। उसके बाद मैं डालूंगी लहसुन और मिर्च। प्याज हो गया ब्राउन और इसमें थोड़ा सा डालते हैं हल्दी एक चम्मच छोटा सा और डालते हैं इसमें मसाला थोड़ा सा। ये हो गया मसाला। डालेंगे टमाटो टमाटर भून गया। उसके बाद इसमें डालते हैं लौकी कटा हुआ लौकी। अच्छे चलाएंगे इसको। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसके लिए ढेंगे ढेंगे इसको 2 मिनट तक। अब इसको चलाते हैं थोड़ा फोड़ के। ये भून गया है। इसमें ये डालते हैं चना और उड़द की दाल मिक्स। चला भी देखते हैं। इसमें डालेंगे पानी। ये पानी इसमें पानी डालते हैं। इसमें डालेंगे ज़्यादा गाढ़ा नहीं। इसमें थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। नमक छोटा सा स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। पानी हो गया पूरा। इसमें मैंने धनिया डाला है। गल जा रहा हूँ इसको। मैं दूसरे बच्चे में मुझे कर दूँगा। थैंक यू।
दाल हो गया रेडी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छे से फूल गया, बहुत स्वादिष्ट बनता है इस तरह से। इस तरह से आप लोग बनाएं और टेस्ट करें कितना मज़ा आता है, उसका मैंने बताया बहुत अच्छा टेस्टी चावल से या फिर कोई भी चीज़ सिखाएँ, या फिर रोटी सिखाएँ, दाल चावल सिखाएँ।